ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लास्ट वीडियो में हमने कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने डिफरेंट टाइप के जोन्स के बारे में भी पढ़ा, जैसे ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन एंड पोलर जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, कितने टाइप के लेयर से मिलकर बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। ये परतें विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनी हुई हैं और इनका विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही हुआ है। तो दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो डिफरेंट टाइप के लेयर से मिलकर बनी हुई है और ये लेयर बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं और इनका जो उत्पत्ति है यानी इनका जो विकास है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय और तरल अवस्था में थी जो बाद में ठंडी होकर ठोस बनी। तो दोस्तों, आपको तो ये बात पता होना चाहिए कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब शुरुआत में वो एक आग का गोला थी। जैसे हम सूर्य को देखते हैं आज के समय में, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी थी। पृथ्वी उस समय गैसीय और तरल अवस्था में थी लेकिन बाद में ठंडी होकर वो ठोस बन गई। ठीक है, पृथ्वी के शीतलन, ठंडापन एवं ठोसीयकरण की क्रिया के समय अधिक घनत्व वाले कण सबसे नीचे बैठ गए। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब पृथ्वी हमारी लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक है, तरल अवस्था में थी, तो धीरे धीरे जब वो ठंडी होने लगी, उनका ठोसीयकरण शुरू हो गया, तो उस समय जो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें थी वो नीचे चलती चली गई। ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें नीचे ही चली जाती है ना, और जिनका घनत्व कम होता है वो ऊपर आ जाते हैं, तो साइंस का बेसिक नियम है। तो जो अधिक घनत्व वाली चीज़ें थी वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने लग गई और जो कम घनत्व वाली था चीज़ें थी वो पृथ्वी के ऊपर की तरफ आने लग गई। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैलों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, पार्ट है, वो कैसे बना हुआ है, परतदार शैलों से मिलकर बना हुआ है। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, जो भूवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने गैस लगाया है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस का यूज़ किया। दो तरीके से सोर्स हैं, पहला तो है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान आदि। ज्वालामुखी और भूकंप की सहायता से ये पता करने की कोशिश करते हैं हमारे भूवैज्ञानिक कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा निकलता है और जो लावा निकलता है उसकी स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन सी चीज़ें विद्यमान है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी, कितने लेयर हो सकते हैं, अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, वो सारे ज्वालामुखी की स्टडी से इन्हें पता चल जाता है, भूकंप विज्ञान से। तो दोस्तों, भूकंप जब आता है तो आपको पता है कि वो बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन द टेक्टोनिक्स प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं उसमें मूवमेंट के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप विज्ञान से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं हमारे भूवैज्ञानिक लोग। दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत, इसमें क्या होता है, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। जैसे अभी सपोज करो हमने पृथ्वी में गड्ढा खोदना शुरू किया, तो उसकी जो जितना हम अंदर घुसते जाएंगे, जितना भी हम गड्ढा खोदते जाएंगे, उसमें डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब को ध्यान में रखते हुए वो अनुमान लगाते हैं कि अंदर से पृथ्वी कैसी होगी। ठीक है, ये दो स्रोत हैं जो भूवैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। आज का जो सबका मत है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट, पहला है भूपटल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं इसको। भूपटल को देखते हैं सबसे पहले, तो भूपटल को ही भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहते हैं।
ठीक है। यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, तो ये ठोस परत होता है और पृथ्वी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग होती है, महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, महासागरों में इनकी जो मोटाई है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि जो महासागर होते हैं वो पृथ्वी की जो सतह होता है उससे तो नीचे ही होते हैं, ठीक है, और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है तो महाद्वीपों में ज़्यादा होगी, क्योंकि महाद्वीप में समुद्र तो है नहीं, हम लोग उसके प्लेन में रहते हैं और समुद्र उस प्लेन से भी नीचे है, उसका जो बेस है वो बहुत ही नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट की मोटाई है महासागरों पर तो कम हो ही जाएगी। भूपटल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, तो भूपटल, ठीक है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है पृथ्वी की, वो किससे मिलके बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। इस कारण इस परत को सियाल कहते हैं, इसीलिए इस परत को क्या कहते हैं, सियाल, ठीक है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि जो भूपटी वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। इस परत का घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसका घनत्व भी आपसे पूछा जा सकता है, 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक होता है। अगर हम पृथ्वी को खोदते चले जाएं, उसमें गड्ढा खोदना शुरू करें, तो 34 किलोमीटर तक हम देखेंगे कि भूपटल, 34 किलोमीटर तक का जो पार्ट होगा वो होगा भूपटल, ठीक है, जिसमें सियाल की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो अभी हमने देखा कि यह पृथ्वी के 34 किलोमीटर अंदर तक होता है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए, पूरी पृथ्वी का ये केवल 0.5% भाग घेरे हुए, ठीक है, सोच सकते हैं आप पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा फिगर है जो कि आपको याद रखना है। अभी हमने सबसे ऊपर देखा क्रस्ट, बीच में है मेंटल और सबसे नीचे है क्रोड, ठीक है। क्रस्ट हमारा सियाल से मिलकर बना हुआ है, SI प्लस AL, SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिनियम। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, जो पोर्शन होता है जो उसको डिवाइड करता है कि ये एक सियाल है यानी कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, उस पोर्शन को जहाँ से डिसकंटिन्यू होता है क्रस्ट, उस पोर्शन को जो कि 1 किलोमीटर के आसपास का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं मोहोविहित डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। फिर अब हम देखते हैं मेंटल, मेंटल इसमें हमने क्या देखा कि SI प्लस MA यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है ये वाला पोर्शन, इसलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे नीचे आता है क्रोड, ठीक है, जो कि बना हुआ है Ni प्लस Fe यानी कि यहाँ पे निफे की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, निकल और लोहा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मेंटल और क्रोड के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ऐसे ही क्रोड, जो हमारा क्रोड है, बाहरी और आंतरिक क्रोड की सीमा क्षेत्र में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा भूपर्पटी यानी कि हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं पृथ्वी का सेकेंड पार्ट, उसे हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। इसका विस्तार 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक का है। 34 किलोमीटर तक तो क्या था, हमारा क्रस्ट था। उससे नीचे हम जाना शुरू करें और 2900 किलोमीटर तक चले जाएं, ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाने के बाद में हम बोलेंगे कि हम मेंटल में हैं, ठीक है। 34 से लेके 2900 किलोमीटर वाला जो पोर्शन है पृथ्वी का अंदर की ओर, वो है मेंटल। और यह पृथ्वी के आयतन का 83% है, पृथ्वी का जो टोटल आयतन है उसका 83% है। और द्रव्यमान की बात करें तो ये पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान का 67% है, ठीक है। मेंटल वाला जो पोर्शन है पूरे द्रव्यमान का 67% है और पूरे आयतन का 83% है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है,
पृथ्वी का जो मेंटल वाला पोर्शन है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इस परत को सीमा कहते हैं, SI और MA यानी कि सीमा कहते हैं। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं, ऐसे ही हम मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं। इस परत का घनत्व 2.90 से लेकर 4.75 होता है, ठीक है, 2.90 से लेकर 4.75, और क्रस्ट का कितना बताया था मैंने, 2.75 से 2.90, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो घनत्व है वो बढ़ गया। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ। अब हम देखते हैं नोट, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहवीक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है, 1 किलोमीटर की होती है, इसको हम बोलते हैं मोहवीक डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं क्रोड के बारे में, ठीक है। क्रोड मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है, ठीक है। मेंटल के निचले वाले पूरे भाग को क्या कहते हैं, क्रोड। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है, पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि कोर तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ, वहाँ तक का क्रोड कहलाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहा से हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसे निफे कहते हैं। निकल का Ni और लोहा का Fe, निकल और लोहा दोनों मिलकर क्या बन गए, निफे। इस परत को किस नाम से जानते हैं, निफे के नाम से। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी में जब आप जाएंगे तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन दाब उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है, पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस अवस्था में है। क्यों ठोस अवस्था में है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी का दबाव पड़ रहा है, इसलिए वो ठोस अवस्था में है। इस परत को बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बैरिस्फीयर। फिर से एक बार बता दूं, क्रस्ट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, मेंटल को हम लोग बोलते हैं पायरोस्फीयर, और इसको क्रोड को हम लोग बोलते हैं बैरिस्फीयर। इस परत का घनत्व 11 से 13 होता है। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा होता है, हम लोगों ने क्रस्ट में पढ़ा था 2.75 से 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्रोड में कितना होता है इसका घनत्व, 11 से 13, ठीक है। क्या होता है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बहुत ज़्यादा है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है, केवल 16% भाग घेरे हुए है ये वाला। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर से कितना है, 6371। अगर पृथ्वी में आप जाएंगे अंदर 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, तो उस पोर्शन को बोलते हैं क्रोड। कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। कोर का जो हमारा कोर है पृथ्वी का, उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक नापा गया है या फिर गैस किया गया है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंतरम धात्विक क्रोड का घनत्व उन धातुओं की वजह से है जो पदार्थ के निर्माण हुआ है, जिन पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है। ये धातुएं निकल और लोहा का मिश्रण है जो इनको चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों कोर, हमारा जो कोर है, आपको पता होना चाहिए कि सूरज की तरफ से जो सौर हवाएँ आती हैं उनको रोकने का काम एक तरीके से हमारे कोर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स करती हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर बोला जाता है कि एक चुंबक है, ठीक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है वहाँ पे, और वो बना हुआ है किसके कारण, हमने देखा निकल और लोहे के मिश्रण के कारण, ठीक है। तो निकल और लोहे का जो मिश्रण है वो इसको चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको पता हो गया आज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम इसके औसत घनत्व की बात करें, एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो जो पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी निकल के आएगी वो होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, लगभग 6370 किलोमीटर। यानी कि आप पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करिए तो लगभग 6370 किलोमीटर तक ही जा पाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोर। लेकिन अभी तक क्या फ्यूचर में भी बहुत ही मुश्किल है वहाँ तक किसी इंसान का पहुँच पाना। दो कारण है, एक तो तापमान बढ़ता जाता है और दूसरा घनत्व बढ़ता जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ तक नहीं जा सकता आज की डेट में। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर आप 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। ठीक है, ये एक तरीके से तापमान बढ़ता रहता है, तो पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय की चोटी, तथा अधिकतम गहराई 11033 किलोमीटर मेरियाना ट्रेंच है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, ठीक है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा अगर कुछ है, सबसे ऊंची चीज है अगर पृथ्वी पे कोई, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की एक चोटी है जो कि 8848 मीटर है, ठीक है, 8848 मीटर है। और सबसे गहराई की बात करें तो पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच, ये सबसे ज़्यादा गहरा है जो कि 11033 मीटर है। पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट इसके अंदर आ सकता है और उसके बाद भी 2 किलोमीटर की जगह बच जाएगी, ठीक है, 2 से 2.5 किलोमीटर की जगह बच जाएगी, इतना गहरा है मेरियाना ट्रेंच। आप जैसे देख सकते हैं कितना ज़्यादा गहरा है वो। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्थल भाग में सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। स्थल भाग की बात करें, अभी तो हमने जल की बात करी, तभी हम पैसिफिक ओशन के मेरियाना ट्रेंच की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग स्थल भाग में सबसे नीचे क्षेत्र की बात करें तो वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 396 मीटर नीचा है। समुद्र तल से कितना है, 396 मीटर नीचा है जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र। भूपटल यानी क्रस्ट, इस पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस जो भूपटल पर पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, कितना है, 46.60% के आसपास। और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूसरे नंबर पर, ठीक है, लगभग 27.72%। और तीसरे स्थान पर पाया जाता है एल्यूमिनियम, 8.13%। तो इसीलिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बन के सियाल के नाम से हम जानते हैं भूपटल को, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना हमारा यहीं फिनिश होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। आने वाले समय में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में, यानी रॉक्स के बारे में, आग्नेय चट्टान, औषधीय चट्टान, कायांत्रिक चट्टान, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।